अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? फिट फाट हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, दो दिन की बारिश के बाद आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम पे जो है वो कुछ बेहतर हुआ है, बारिश थम गई है। ठीक है जी, उम्मीद है कि कल भी इंशाल्लाह मौसम जो है वो बेहतर होगा, इस नज़र आ रहा है कुछ। ठीक है जी, तो इसके अलावा सीन कुछ यूँ है कि आज मैं अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदनी थी, शॉपिंग करनी थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि कुछ दिनों तक जो है मैं यहाँ से जा रहा हूँ दुबई काम के सिलसिले में। ठीक है जी, तो वहाँ जाने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जो वहाँ मैंने इस्तेमाल करनी है, तो सोचा कि यहीं से ले कर जाता हूँ, बजाय इसके कि वहाँ से जाके जो अभी से ही जो है वो दिरहम्स में ख़रीदूँ। तो ज़ाहिर बात है दिरहम जो है वो उसमें तो महंगी मिलेंगी मुझे, तो इसलिए मैंने आज जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें शेयर करने का मकसद, ये तो इतनी को एक्सपेंसिव तो है नहीं है कि मैं अपना एफिशिएंसी दिखाने के लिए आपको जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरा आपके साथ एक एज आ फैमिली रिलेशन है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारे दोस्त बहन भाई जो है वो काम करते हैं, और उनका जो है ना आप तमाम यूट्यूब देखने वालों के साथ एक फैमिली रिलेशन होता है, क्योंकि आप वीडियोस देखते हैं, उस पर जो है आप लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, और अपनी कॉमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से अच्छी अच्छी जो आ रहा है वो हमें उन आ रहा से नवाजते हैं। तो इसलिए एज आ फैमिली जो है इसको मैं देखता हूँ, तो इस लिहाज से जो है ये चीज़ जो है आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा था। तो देखिए, मैंने आज ये कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, अभी कुछ मैंने ख़रीदनी है, लेकिन बारिश की वजह से जो कुछ इजीली मैं ख़रीद सका हूँ वो मैंने ख़रीदी हैं। तो एक तो ये देखें, एक जोड़ा मैंने चप्पलों का ख़रीदा है, वहाँ पर जो है मैं इनको इस्तेमाल करूँगा वाशरूम में नहाने वगैरह के लिए। ठीक है, ये वज़ू करना होता है, तो ये यहीं से मैंने सोचा ले कर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पहले मैं सऊदीया में था, तो ये चप्पल जो आज मुझे मिसाल के तौर पे जो है चप्पल मुझे आज 500 में यहाँ पे मिली है, वो वहाँ पे मुझे ज़रूर जो है 20-25 और 30 दिरहम में मिलेगी, तो वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने में होगी। ठीक है जी, इसके अलावा जो है मैंने एक मुझे एक चार्जर चाहिए था, अच्छा सा एक चार्जर ख़रीदा है मैंने अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए। ठीक है, ये चार्जर भी मुझे वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर बात है दिरहम में जो महंगा मिलता, क्योंकि दिरहम के रेट में ज़ाहिर बात है अब एक दिरहम जो है वो 42 पॉइंट कुछ का है। ठीक है जी, इसके अलावा मैंने ख़रीदा जनाब एक स्पेशल चीज़ ख़रीदी है। स्पेशल चीज़ ये है कि वहाँ से मैं बाज़ार से गुजर रहा था, तो जनाब एक बंदा जो है वो आवाज़ें लगा रहा था, 100 दे 6-6 नाड़े, 100 दे 6-6 नाड़े। ठीक है जी, तो दुबई में ये चीज़ मुझे नहीं मिलनी थी, क्योंकि शलवार कमीज़ पहनने वाले हम लोग हैं, तो शलवार कमीज़ जो है वो उसमें डालने के लिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये यहीं से मिलना था मुझे, तो इसलिए गुजरते गुजरते पहले मैं आगे निकल गया, फिर मैंने सोचा यार ये तो मुझे चाहिए, तो ये भी मैंने ख़रीदे हैं। बाज़ार ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत कीमती चीज़ है। इसके अलावा मैंने एक ब्रश और ट्यूब अपने लिए ख़रीदी है, ये मैं यही इस्तेमाल करता हूँ मेडिकल मेरे मसूड़ों के लिए, ये अच्छी है, क्योंकि पहले काफ़ी दिन का चंद माह पहले ये मुझे मेरे मसूड़ों में खून आना शुरू हो गया, तो मैंने इसे आज़माया तो ये मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने ये ख़रीदी अपने लिए। एक ब्रश ख़रीदा, ये चीज़ें वहाँ से ख़रीदने के मैं ज़ाहिर बात है अभी जाते ही तो मैं अगर अपनी जेब से दिरहम निकाल के जो है वो ख़रीदूँगा तो ज़ाहिर बात है किसी से पकड़ने पड़ेंगे यहाँ से। वैसे मैंने दिरहम भी ख़रीदे हैं, आज मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैंने ख़रीदे हैं, उस दिन मैं लेके आया था 150 और आज मैंने ख़रीदे हैं 50 और। ठीक है जी, ये देखें, ये दिरहम है, 50 दिरहम और ख़रीदे हैं, ये मुझे उसने दिए हैं 20-20 के और 10 के, ये 50, पहले मैंने वो 150 ख़रीदा, ये दिरहम है, तो इनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, तो इसलिए ये भी मैंने ख़रीदा है। उसके अलावा एक बैग मैंने ख़रीदा है, ये बैग गया तो मैं था सूटकेस ख़रीदने के लिए, ट्रॉली नमा जो होता है, ठीक है, तो वो जो है ना जो सस्ता था वो किसी काम का कुछ, सिर्फ नाम का सूटकेस था, बाकी उसमें कोई क्वालिटी ना उसमें मज़बूती कुछ नहीं था। ठीक है जी, तो
फिर मेरे जहन में आया जो अच्छा मुझे पसंद आया वो बहुत महंगा था, तो मैंने सोचा यार अभी ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने डिसाइड किया कि मेरे घर में मेरे पास एक जो है सूटकेस पड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं वो ख़रीदूँ, वो ले लूँ। और उसमें कुछ सामान था, तो सामान जो है मैंने डालने के लिए, वो सामान डालने के लिए ये एक बैग ख़रीदा है, बहुत मैंने ढूंढा है, बहुत अच्छा, ये मज़बूत कपड़ा इसका मज़बूत है, इसकी ज़िपें जो हैं ये माशाल्लाह बहुत मज़बूत हैं, 3 ज़िपें लगी हुई हैं तकरीबन, इसमें हाइट में जो है ना बहुत हो जाता है, ऊँचा हो जाता है, बहुत सामान आता है इसमें। तो वो सारा सामान निकाल के मैं इसमें डालूँगा और वो साथ में ले कर जाऊँगा, ठीक है जी। तो अभी जैसा कि पता है कि मैं यहाँ से अब काम के सिलसिले में दुबई जाऊँगा, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके साथ जो है वहाँ से बिल्कुल जुड़ा रहूँ, कोशिश करूँगा कि अच्छी अच्छी वीडियो जो है वह अभी दुबई से इंशाल्लाह आपको जो है ना आपके लिए शूट करके अपलोड किया करूँगा, ठीक है जी। इसके अलावा टाइम जो है वो काफ़ी हो गया, मैं असर काफ़ी देर की हो चुकी है, तो मौसम क्योंकि लेट थोड़ा सा खुला है, तो मैंने इसलिए सोचा कि बाहर जाके आपसे गप शप करता हूँ। थोड़ा सा मैं बाहर गया हूँ वहाँ पे ग्रीनरी की अच्छा सा सीन देखने के लिए, मैं वहाँ से बात करूँ आपके साथ, लेकिन अभी जो है ना वो ज़मीन जो है उसमें पानी पाँव जो है धंसता है, तो इसलिए फिर मैं वापस आ गया हूँ यहीं पर, आज अपने डेरे पर बैठ के फिर आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ। तो इसी के साथ और क्या कुछ, बस अभी कुछ देर में नहीं आ रही बात, यही कुछ आपके साथ शेयर करना था। इंशाल्लाह मुझे और भी सामान कुछ चाहिए, लेकिन यह है कि अभी मैं कल या परसों फिर जाऊंगा इंशाल्लाह, कुछ चीज़ें वो और ख़रीदूंगा, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मेरी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी कीमती राह से मुझे ज़रूर नवाजा करें, तो सब्सक्राइब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो देख सकें। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।